हेलो। हाँ मम्मी, वो ना मुझे WWE वालों ने बुला लिया है। हाँ? बोल रहे हैं तू जॉन सीना को तू ही हरा सकता है। इंडिया का खली मैं ही तो हूँ। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि यार जो तुम्हें सैलरी चाहिए वो ले लेना, बस जॉन सीना को हरा जाओ। अरे तुम टेंशन मत लो, एक ही मुक्के मार आऊंगा। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। मम्मी नमस्ते। अरे मैं ये कह रहा हूँ, शादी की बात चल रही थी ना मेरी, अरे वो फूफा जी ने जो लड़की बचाई बताई है लड़की, अरे वो गंजी है मम्मी, मैंने देखा उसके बाल, अरे उसने मम्मी नकली बाल लगा रखे हैं, मैंने पता निकलवाया। अरे नहीं कर रही यार मम्मी शादी, पीछे पड़ गए, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, शरीर है शादी करने लायक, क्या करूंगा शादी करके, कुछ होगा वोगा वैसे भी नहीं करनी मेरे को शादी, और वैसे भी मुझे वो आंटी से प्यार है। एलेक्सा यार मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्या करूं? अभी गधे 4 साल से एक ही क्लास में है, अब तुम अरे नहीं ऐसा नहीं, घर से तो निकलता हूँ लेकिन स्कूल पहुँचने का मन नहीं करता, वो इंग्लिश वाली टीचर बोल रही है ना तू कुछ भी कर ले पास तो करूंगी नहीं, मैंने तो पास नहीं करेगी तो स्कूल जाने का फायदा है क्या? हेलो भाई, आज तूने कैसी गर्लफ्रेंड बनवा दी है यार मेरे को। अरे यार मेरे से कह रही है मेरी शादी होने वाली है, कहीं और तुम मेरी भाभी से बात कर लो। मम्मी नमस्ते। तुम गई हो ना, रोज पापा मेरी बाइक लेके जाते हैं सुबह को और मैं ऑफिस को लेट हो जाता हूँ। अरे शीला आंटी को घुमा रहे हैं और क्या, वो इतनी मोटी हैं और मेरी बाइक की सारी गद्दी फट गई, अब तुम लगा लो, टायर में पिंचर हो गया, मेरी बाइक सारी खराब हो गई। हाँ बाबू, यार क्यों कॉल कर रही हो इतनी, ये बताओ तुम मेरे को। जब मैं बोल दिया कि मेरे दोस्त के मामा खत्म हो गए, मैं वहां पे आया हुआ हूँ, ठीक है, तो फिर क्यों बार बार कॉल कर रही हो यार? अब यार सारे लोग यहाँ शौक मना रहे हैं, सारे रोने में लगे पड़े हैं, ठीक है, और तुम बोल रही हो एक पप्पी दो यहाँ, ये क्या बात होती है यार? हाँ मम्मी, जब मैं गुस्से में बताऊं या कैसे बताऊं, तुम कुछ भी समझो मेरी शादी करवा दो। मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, मैं किसी को भगा ले जाऊंगा। हाँ अगर भगा के तुमने केस किया ना, मैं अघोरी बन जाऊंगा बाबा। अब तू ही बता, कोई भेड़ चराने वाला लड़का इतना सुंदर लग सकता है? यार लड़कियां फ्लैट हो रही है यार मेरे ऊपर, इन्हें क्या पता मैं भेड़ चराता हूँ। अरे इन्हें तो मेरे पार्ट टाइम काम के बारे में भी नहीं पता है। इन्हें क्या पता पार्ट टाइम मैं जूते चप्पल सिलता हूँ, मोची हूँ मैं, ऑलराउंडर मोची हूँ मैं। ओ मैं बात कर, फिर शेरनी की कॉल है। ओह नो। हेलो कौन, शेरनी? मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। कौन है शेर नहीं, मैं नहीं जानता उसको, शेर सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा मुझसे बात करनी है मम्मी, मैं ये बोल रहा था वो शीला आंटी के लड़के को घर पे मत आने देना, कल आया था वो गाड़ी में से पेट्रोल चुरा के ले गया और एक जूता भी आया मेरा कल से फेवरेट वाला। हेलो। हाँ मम्मी, ये पापा क्या करके मानेंगे? अरे मैंने ले देके एक मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, अब मैंने जैसे तैसे उससे बात करी बाबू सोना करके, अब उस पापा उसकी मम्मी को छेड़ रहे हैं। हाँ मम्मी पापा, वो शीला आंटी की पड़ोस में बहन आई हुई है, अब देख रहे हो रोजाना हमसे बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहा छत पे टहलने में, अब तुम देख रहे हो मैं गया पीछे से, आज सुबह मैं छत पे गया, पापा पता क्या कर रहे, सिट्टी मार रहे, बताओ शीला आंटी की बहन को खड़े हुए छत पे। अरे पापा ये बोल रहा था मेरी टीचर ने मुझे बहुत मारा, पता नहीं उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, लड़की क्या होते हैं, मैंने बोल दिया लड़के एक नंबर के चोर होते हैं, उनकी नजर हमेशा पराया धन पर लगी रहती है, अपनी कदम बहुत मारा उन्होंने। यार मुझे नहीं पता था कि वो फूड कोर्ट पे आएगी, बिल बनवा दिया उसने 600-700 रुपए का चुड़ैल ने।
भाई कैसे भी करके 500 रुपए डाल दे यार पेटीएम यार। तेरी कसम खा रहा हूँ बर्तन मचवाएंगे, वो मेरे से बात समझ मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। हाँ पापा, पापा मैं खेतों पर आया था धानों को पानी लगा रहा था। सच में पापा झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। क्या ओमकार की लड़की भाग गई? तो पापा मुझसे क्या बता रहे हो तुम? ओमकार की लड़की भाग गई तो अच्छा, धन्नो भाग गई। अच्छा जो लिपस्टिक लगाती थी बहुत मुंह पे।